हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। अभिनेता से नेता बने सनी देओल ने जब से राजनीति में कदम रखा है तभी से वो काफी चर्चाओं में है। फिल्मों में सफल पारी खेलने के बाद अब सनी अपने राजनीतिक करियर से भी लोगों का दिल जीत रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसे सुनकर आपको भी उन पर गर्व महसूस होगा। जैसा कि आप जानते हैं, देश भर में हर दूसरे दिन कोई ना कोई घटना अखबारों में हेडलाइन बनकर छापी जाती है, जिसे जाने के बाद लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी घटनाओं का शिकार भी अक्सर महिलाएं ही होती हैं। ऐसे ही कुछ हुआ था पंजाब के गुरदासपुर में रहने वाली वीना बेदी के साथ, जिनकी मदद कर सनी उन्हें सही सलामत कुवैत से भारत ले आए। दरअसल खबरों की माने तो इस महिला को नौकरी दिलवाने के नाम पर एक पाकिस्तानी एजेंट को बेच दिया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो इस महिला को बताया गया था कि कुवैत में उन्हें हाउसकीपिंग की नौकरी मिलेगी और सैलरी 30,000 होगी, जबकि ये सिर्फ एक तरीका था उन्हें एजेंट को बेचने का। उनके साथ वहां मारपीट होती थी। खैर, तो सनी ने एनजीओ और भारतीय एम्बेसी के सपोर्ट से उन्हें ढूंढ निकाला और उनके इस काम से उनके पिता धर्मेंद्र भी गर्व से फूले नहीं समा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, नौकरी समझकर फर्ज निभाना सनी बेटे, भगवान तुम्हारा हमेशा साथ दे। वहीं ट्विटर पर भी लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। बात करें उनके वर्कफ्रंट की तो जल्द ही उनकी फिल्म पल पल दिल के पास रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के जरिए उनके बेटे करण देओल बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं।